फोटो एडिटिंग एप्स एक ऐसा टूल है जो एक नॉर्मल फोटो में चार चांद लगा देता है। आज के समय में सभी के पास अच्छे कैमरे वाले फोन होने के बाद भी फोटो क्लिक करने पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जैसे फोटो के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन की कमी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने फोटो में अलग अलग तरह के फिल्टर, फोटो स्टिकर, स्टाइलिश टेक्स्ट को लगा सकेंगे। साथ ही अपने फोटो के बैकग्राउंड कलर, फोटो के शेप साइज में बदलाव भी कर सकेंगे। फोटो को एडिट करके किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप पर साझा कर सकेंगे, जिससे आपके फोटो पर लोगों के और भी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं और लोगों को देखने में अच्छा भी लगता है। तो चलिए जानते हैं 2022 के 5 सबसे अच्छे फोटो एडिटिंग ऐप कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नंबर 1, PixArt। PixArt एक ऐसा एडिटिंग ऐप है जिसे आप सभी एडिटिंग ऐप का मास्टर भी कह सकते हो, क्योंकि इस ऐप के मदद से आप अपने सारे काम कर सकते हैं जो बाकी के और फोटो एडिटिंग ऐप किया करते हैं। और इस ऐप को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका पेड वर्जन भी उपलब्ध है जिसे कुछ पैसे देकर खरीद सकते हैं, जिसमें आपको और भी तरह तरह के फिल्टर, टेम्पलेट और स्टिकर मिल जाते हैं। PixArt फोटो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करके फोटो के बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से मैन्युअली काट के अलग कर सकते हैं और साथ में पूरे बैकग्राउंड को भी बदल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फिल्टर या इफेक्ट जैसे HDR, स्केच, ब्लर, मैजिक, शेडो, रैनी को आप अपने किसी भी फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। फोटो में ही कोई और फोटो, टेक्स्ट और PixArt में मौजूद स्टिकर को लगा सकते हैं। इस ऐप के द्वारा आप अपने छोटे मोटे वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। नंबर 2, स्नैपसीड। स्नैपसीड ऐप बिल्कुल PixArt की तरह है और PixArt की तरह ही काम करता है, बस इसमें थोड़े कम फिल्टर देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह गूगल का अपना एडिटिंग ऐप है जो एंड्रॉइड और iOS यूजर दोनों अपने फोन पर फ्री में डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा कोई भी साधारण से फोटो को बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो में बदल सकते हैं। इसमें तरह तरह के यूनिक फिल्टर मिलते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने फोटो में कर सकते हैं। स्नैपसीड ऐप का यूजर इंटरफेस आसान होने के कारण कोई भी बड़ी आसानी से फोटो को एडिट कर सकता है। नॉर्मल से फोटो को आप HDR और विंटेज लुक भी दे सकते हैं। स्नैपसीड की मदद से आप अपने चेहरे के दाग, धब्बे और पिंपल्स को भी मिटा सकते हैं। नंबर 3, एडोब लाइटरूम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एडोब कंपनी ज्यादातर कंप्यूटर के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में मशहूर है। इस ऐप को बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप भी कह सकते हैं क्योंकि यह ऐप हमारे फोटो के पूरे लुक को ही बदल देता है। इस ऐप की मदद से फोटो के छोटे छोटे पार्ट के कलर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, साथ में चेहरे के स्किन टोन या कलर को भी बदल सकते हैं। नंबर 4, एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस। इस एप्लीकेशन में थोड़ा अलग फिल्टर होने के कारण काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप फिल्टर के एक्सपोजर को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, साथ ही ब्लर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप एक्सप्रेस एडिटर में विभिन्न प्रकार के फ्रेम मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने फोटो पर कर सकते हैं। नंबर 5, पोलर। पोलर एडिटर ऐप बिल्कुल एडोब लाइटरूम की तरह है और इसमें आपको यूनिक फिल्टर देखने को मिल जाते हैं और यह वाकई में सभी ऐप से थोड़ा एडवांस है। अगर आप पहले से ही वीडियो एडिटिंग में माहिर हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एडोब लाइटरूम ऐप की तरह ही इसमें भी फोटो के कलर, स्किन टोन को बारीकी से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे अलग और यूनिक फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। फोटो के डिटेल्स, विंटेज, ग्रेन, नॉइज को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह नॉलेजफुल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।